जय हिंद सर। जय हिंद। शान है मेरी तिरंगा, जान है मेरी तिरंगा, शान है मेरी तिरंगा, जान है मेरी। बोटी बोटी कट जाए फिर भी इसे न झुकने की, लहराएंगे युगों युगों तक इसे न रुकने देंगे। कतरा कतरा खून का ये अरमान है मेरी तिरंगा, शान है मेरी तिरंगा, जान है मेरी। क्या बात भरे तेना खेबे का चाय बात आ जा था उठाओ चला तू हो लो खा। अरे काल भैया चिप्स के पैकेट्स दो। मुझे टमाटो चिप्स चाहिए। पैसे निकालो। हाँ निकालो। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ पैसे निकाले। हाँ थैंक यू। चलो चलते हैं। जोर की भूख लगी है यार। चलो पहले कुछ खा ही लेते हैं। मुझे फिल्म देखना है। हाँ पापा हाँ फिल्म देख लेना। चल ना मसाई चल आज। अरे चल
ए छोटू, इसको मैं देखूंगा। क्या फिगर है रे, आज तो तुझे खा लूंगा। क्या बदतमीजी है ये, हमारा गुंडागिरी है। तूने मुझे मारा पापा। तेरे को आज, तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम। बाबू बजरंगे, बाबू बजरंगे, बाबू बजरंगे, बाबू बजरंगे, बजरंगे बजरंगे, बाबू बजरंगे, बजरंगे बजरंगे, बाबू बजरंगे, बजरंगे बाबू बजरंगे, बाबू बजरंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है। यहां श्री कृष्ण जैसे भगवान अवतार लिए हैं, जिन्होंने हमेशा आबरू की रक्षा की है, लूटे नहीं है। ए बड़ा आया भाषण देने वाला, जो उसमें माता वो उसको बैठेगा। सॉरी, पर ये गलत है ना? ये तू मुझे सिखाएगा? रहा आपका चश्मा। अरेस्ट देम। इन लोगों को किसने मारा? इन्होंने पापा। वेल डन मिस्टर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? बाबू। बाबू, इतने लोगों से अकेले भिड़ गए? आदमी कहां, ये सब कीड़े मकोड़े हैं सर। अच्छा बताओ कहां रहते हो? अभी कहीं नहीं, ढूंढ लेंगे। अरे तो फिर ढूंढने की क्या जरूरत है, चलो कुछ दिन हमारे साथ रहो। अरे भाई, इंसान ही इंसान के काम आता है, वरना इंसानियत कैसी। चलो आओ बेटा आओ। वसुंधरा, ये वसुंधरा कहाँ हो जी? आजा।
मधु बिटिया ठीक बाड़ू ना? हाँ मम्मी, हम एकदम ठीक बाड़ी। हाँ हाँ, वो एकदम ठीक बाड़ी। बाकी बहादुर सिपाही के वजह से तुहर लाख लाख शुक्र बा बेटा, तुहार ये एहसान हम कबो न भुलाई। बेटा भी बोला तनी और एहसान भी जताओ तनी। एहसान ओसान बाद में जाते हैं मलकिनी, पहले इनके खाए पिए के इंतजाम करा। चला ठीक बा, ठीक। चलो बेटा अंदर चला। चलिए बेटा। सुना, सामान लेके अंदर आवा। जी साहब। ए कहां से चला गलू? कुछ होना तो फिर चला। काजल। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। इतना अबेर ले सुतेल बाड़ू? बुझा था तुहार नींद पूरा नहीं क्यों होता? नींद कहाँ भाभी। अच्छा है देखा तुहार बीमारी के इलाज। ओह देखा ना एक बार लड़का बड़ा सुंदर बा। लड़का भले सुंदर हो भाभी, लेकिन हमारा वाला करोड़ों में एक है। एक मिनट हमके कॉलेज छोड़ दे बा। ना हम कहीं और जाता नहीं। प्लीज प्लीज भैया, प्लीज प्लीज। प्लीज भैया प्लीज 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 प्लीज। हाय मधु। हाय काजल। ए राजा, मुझे कब अपनी बुलेट पे बिठाओगे? अरे सुनो ना भैया। अरे ए ये क्या था? तेरे भैया को मैं अपना सैया बनाना चाहती हूँ। तोहरा खातिर तो हमार जान हाजिर बा। अरे हमरा के अपन सैया बना ला तू। हाँ तो कह दा, तोहरा के पूरा शहर घुमा दे। अगली बार ऐसन जगह मारब कोनो के सैया का भैया बने लायक न रहबे। चलट कितना कुछ हो गई ते हमरा के फोन ना कर ले एकटी का भाई। भैया हमरा एगो लड़की मिल गेल रहे बस में, यही से ही सब भइल। उ हमनी के बहुत मार मरलस, इटलस जेल भेजवा देलस। का करते? का नाम है ओकर? का मिली हूँ? नाम तो नहीं पता ओकर, लेकिन बस बस तोरा रिहाई के पहले ओकर विदाई कर दे। हम विदाई कर दे दुनिया से। मधु मधु प्लीज लिसन टू मी। क्या तो है? बात तो सुनो प्लीज। मैंने कहा ना कि तुम जाओ यहाँ से, चाहते हो कि मैं मारूं। प्लीज मधु। मैंने कहा ना जाओ वरना। बाबा प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना। जाओ प्लीज जाओ। लिसन टू मी यार। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, छोड़ो मुझे। अरे भैया तोर हिम्मत कैसे भाई? भैया भैया हमरे बहन के हाथ लगावे के? भैया 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 जैसन रहुआ सोचत आनी वैसन कोनो बात नहीं के। तो फिर का बात है भैया? अरे बोल ना भैया। हमनी के एक दूसरे से बहुत प्यार करेनी, ई हमरा से वादा कैले रहले कि पापा से बात करी हन, लेकिन ना ई तो के खुश रख पाई? जी भैया
अरे भाई हमरा के कोनो प्रॉब्लम नहीं के, हम ये फोटो मधु के भेज देता नहीं। हाँ हाँ ठीक बा ठीक। मधु, ए मधु। जी बाबूजी। बेटा तू अपन व्हाट्सएप चेक करा। व्हाट्सएप? हाँ हाँ। पापा एक एकर फोटो है। अच्छा बा। हाँ अच्छा बा। तो बेटा हमें रिश्ता पक्का समझी। रिश्ता? वसुंधरा, ए वसुंधरा, अरे तनी जल्दी आवा। ये देखा, ये लड़का से हम मधुक बियाह तय कर देले बानी। अरे देखा तो सही अपने होखे वाला दामाद के फोटो, देखा? लड़का तो बहुत सुंदर बाजी। मधु, एकरा से तू खुश बाड़ू ना? मधु बिल्कुल खुश नहीं खे एसपी साहेब। एगो अजनबी के फोटो दिखा के लड़की के रजामंदी जानल ठीक ना हा। मधु के असली खुशी तब मिली जब वो अपने पसंद के लड़का से शादी करी। ए, तू कहल का चाहत बड़ा? मधु प्रेम से प्यार करे ले। मधु। जी जी पापा, पापा हम कोनो प्रेम के ना जाने ली। सुन लहला, मधु आपके बहुत माने ले, बड़ी कदर करे ले, राहुल पगड़ी कबो गिरे ना दी। ऐसे बढ़ के खुशी एगो बाप खातिर और का हो सकेला। रउआ जहां भी चाहब ओकर शादी कराए, वो अपने चाहत के गला घोट के डोली में बैठता जाई, मगर जीवन में कभी खुश ना रहे। हम कुछ सुनल नहीं की चाहत। बाबूजी, ए बाबूजी, अरे आप कम से कम हमारे बात पे भरोसा करें। लड़का अच्छा बा, ठीक बा। बाबूजी, लड़का पढ़ा लिखल भी बा, शादी कर देवे के चाहिए। उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। वो शरीफ है, बुरा है, मुझे नहीं मालूम। आज के बाद उसके बारे में बात मत करना। कौना भरोसा के साथ तू कह सकेला कि इलैका हमरी मधु के खुश राखी? भरोसा तो यो नहीं कि छोड़ल सांस वापस आई कि ना, और फैसला भी तो गलत हो सकेला। बाबूजी, एक बार, सिर्फ एक बार हमारी बहन के प्यार पर यकीन करके देखी। तो ठीक बा, हम ये दोनों ब्याह करे खातिर तैयार बन। हाँ बिजली गिरावेला कैसी है तोहर फोहर
अलगे अलख जगावे ना से बदन अब चुमा से खाली हाय एकर तो शादी होके जाता रातों दिन जानी काटी है मेरा क्या होगा काजल बेबी तुम टेंशन क्यों लेती हो मैं हूँ ना तुम्हारी लव गुरु अरे अपने हुस्न का जादू चला और प्यार की पटरी पे लव की गाड़ी धका धक भगा और कैसे बेबी अगर मर्द के फसावे के बाना तो या तो उसे डरावे के चाहिए या तो उसे डरे के चाहिए हमरा भैया के ता आज तक डरावे वाला कोनो पैदा नहीं थे भाई तू एक काम करा क्या आवा तो के पावे खातिर कुछ ना कुछ तो करी ही के पड़ी रास्ता का है रोकाइलबा बाबू तोहरा से कुछ जरूरी बात करे के बा का बहुत दिन से मन में एको बात चलता बोला बाबू तू हमरा बहुत अच्छा लागेला आई लव यू बाबू दिमाग ठीक नहीं खे नहीं खे हम अपना जवानी में जंग ना लागे दे अभी ताला के चाबी हमरी तिजोरी में रही भैया हमनी मॉल में बानी जल्दी आवो ना प्लीज ए ये कैसा है अच्छा है ये वाला अच्छा वो? भैया वो बस वाला आदमी मॉल में है अरे भैया भैया इनका ऊपर ही कैसन लगी बढ़िया बहुत बढ़िया से हमार भाई जेल में बा आज हम तोहरा के मौत के नहीं सुलाई और सुन ये उम्र में हमार भाई अय्याश गिरी ना करी तो का साधु गिरी करी भैया बाबू बाबू राज तोहरा के हम बताई कि अय्याश गिरी का होला बाबू बाबू अरे सारे बौगा नियन का शर्मा तारे रे भैया ये तो ऐसे शर्मात बा जैसे कोने दुल्हन कवर में बैठल बा बाबू भैया बाबू भैया शेर अगर खामोश रहे तो एकर मतलब ही ना के शिकार कई भूल गए तो
आइए, ये रहे। मारपीट कैसे हुई? किसने मारा तुम्हें? बताओ हमें। कौन था वो जिसने तुम्हें मारा? रजनीकांत ने। क्या बक रहे हो? रजनीकांत ने मारा तुम्हें? छट्टन, सर जो पूछ रहे हैं सही सही बता कि तुझे किसने मारा? इसके भाई को भी उसी ने मारा। किसने मारा? रजनीकांत ने। लगता है पागल हो गया है। यस सर, सर पर काफी चोट आने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। क्या? हाँ सर। तो डॉक्टर को भी उसी ने मारा। किसने? रजनीकांत ने? तेरा रजनीकांत, रजनीकांत। डॉक्टर साहब, इसकी स्थिति में जैसे सुधार आए प्लीज इन्फॉर्म मी। श्योर, कम। हरिओम, हरिओम। जहां से साइंस सोचना बंद कर देता है वहां से अटल बाबा की सोच शुरू होती है। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा, बाबा मेरे लवर से मेरा कनेक्शन भिड़वा दीजिए बाबा। बदले में आपके इस आश्रम को मैं 5-स्टार आश्रम में बदल दूंगी बाबा। डोंट वरी बच्ची, काम जरा मुश्किल है, कर पाओगी? तो समाधान बताता हूँ। हाँ बाबा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? कुछ भी। फिर नो टेंशन बच्ची, समस्या अनेक, समाधान बस एक, समस्या निवारण स्प्रे। बाबा इसे कहाँ लगाना होगा? अपना हेडफोन इधर लाओ। हाँ बाबा, इली हेडफोन नहीं, अपना कान इधर लाओ। कान कच्छा में। कच्छा में? का कच्छा में? मैंने पहले ही कहा था मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है बाबा, कोई मुश्किल नहीं है बाबा। अरे काजल, आज तो हर काम आसानी से हो जाए। काहे से कि घर में केहू नहीं खे, भैया भी घर के बाहर गइल बाड़े। अरे तब देरी कौना बात के हा, जल्दी जा भैया के कमरा में सूटकेस होई ना, ओ में कोनो ना कोनो कच्छा तो होबे करी। अरे ओही में छिरक दिया। गुड आइडिया, चल जा। बैग पकड़ो, पकड़ो। बाबू के
बैग में रिवॉल्वर कैसे? काजल का करतारू? हाँ हाँ आफता नहीं काजल। हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री भाई सईद आलम जी, हम नौजवानों किसानों के नेता मजदूरों के मसीहा, माननीय सईद आलम जी हम लोगों के बीच में पधार रहे हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करके इन्हें इस सभा में सम्मानित किया जाए। नमस्कार सईद आलम, 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 शांत से बैठ गए आप लोग। आप मंच पे बैठे सारे गणमान्य लोग, भाइयों, माताओं और बहनों, आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं यहां कुछ वादा करने नहीं बल्कि एक छोटी सी कोशिश करने आया हूं, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं और वायदे अक्सर टूट जाया करते हैं। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बाहर के राज्यों में काम करने ना जाएं, बल्कि यही रोजगार के अवसर प्रदान हो। बाकी हमारी कोशिश है कि लोग यही रोजगार करें और यही रहें और बाहर के राज्यों से लोग यहाँ काम करने आए। आप सबसे मैं आखिर में बस यही एक गुजारिश अदब के साथ अपनी बातें खत्म करना चाहता हूँ के सब संभव होता है जब इच्छा निश्चय में बदलती है। फूल अगर संकल्प करे तो कांटों से राह निकलती है। सईद आलम जिंदाबाद, सईद आलम जिंदाबाद, सईद आलम जिंदाबाद, जय हिंद जय बिहार। भाईजान से हमारी बात हो चुकी है, आप इनके संपर्क में रहिए, आपका सारा माल नेपाल के रास्ते सही सलामत पहुंच जाएगा। जी। बस ईमान खराब मत कीजिएगा वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहिएगा। सलाम। ऐ इनका काम करा देना और ध्यान रखना कि हाँ। जय हिंद सर। अरे जय हिंद, कैसे आना हुआ? सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपकी जान को खतरा है। सर मेरी इन्फॉर्मेशन 100% सही है। देखो सिंह, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, और हाँ मेरे से खतरा जरूर अपोजिशन वालों को होगा। सर आपकी जान की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, मैं आपकी सुरक्षा में 10 हवलदार तैनात कर देता हूँ जो आपकी जान की हिफाजत करें। अब जैसी आपकी इच्छा है एसपी साहब। चलता हूँ सर। अरे चाय वाय तो पीजिए। थैंक यू सर, फिर दोबारा कभी। एसपी साहब बचाए। अब भला मुझे किसका डर है? मंगल मांगले शिवे सर्वान साधिके सरले त्रम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ हेलो बजरंगे। हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा। हाँ एक मिनट फटा, क्या बात है इंस्पेक्टर?
सर जो आपके घर में लड़का रह रहा है वो बाबू नहीं, एक मोस्ट वांटेड मुजरिम है जिसे पुलिस तलाश रही है। ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। ये है सर उसकी तस्वीर। अरे अंदर ही क्या, देखो देखो देखो, चलो चलो चलिए चलो चलो, हटो चलो चलो। कुछ लोग इधर जाओ, कुछ लोग उधर जाओ, चारों तरफ छान मारो। हेलो कंट्रोल रूम। यस सर। शहर के सारे रास्ते, सारे नाकों पर नाकाबंदी कर दो, अपराधी भागने न पाए। जी सर, अभी करता हूँ। यस ओके सर। ओके। यहाँ नहीं है सर, लगता है भाग गया। क्या? भाग गया? हाँ सर। जल्दी से तुम लोग पूरे शहर को चारों तरफ से घेर लो, भागने न पाए वो। जाओ। जी सर। और मिलते ही खबर करना मुझे। जाओ। ओके सर। सूटकेस में रिवॉल्वर देखते ही समझ गई रहनी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर बा। हमार तो मती मरागल रहे जे तोहरा से प्यार कही नी। दिल के हाथे मजबूर रहनी, एही से तोहे बचावे खातिर आ गई नी। तोहरा पीछे पुलिस काहे पड़ल बा, के होवा तू बतावा। बाबू के होवा तू बतावा। आखिर आर के अंकल तोहरा की मुजरिम मानत आड़े, तू मुजरिम जरूर पड़। उसने को जाना तू हमारा बारे में। बचपन से देश की सेवा करे के चाहत रही, दिमाग में कहीं नारा गुजरत रहे, जननी जनभूमि से स्वर्गा तपी गरियसी। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आप लोग पढ़ लिख कर भविष्य में क्या बनना चाहते हो? मिस मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। गुड। मिस मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मिस मैं नेता बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। साइलेंस। और बजरंगी तुम क्या बनना चाहते हो? मिस मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। भारत माता की जय। समाज में कोनो भी गंदगी के पनपे ना देबे के चाहत रही। का जानल चाहता रू? हम हूँ एगो सिपाही बन के देश के सेवा करे के चाहत रहे। ओ दिन के बाद Ah!
अरे सरवा साढ़ के औलाद, सर पे सूरज आ गया, अभी सुतल वाला सर। सीनियर के सामने कैसे पेश आना ये भी सिखाना पड़ेगा। नो सर, कम जा ठीक और। हाँ सर, एकदम चुट्टा कही के। छोड़िए का भाई, राहत ना यार, ना तो पेट के अतरिया मुंह से बाहर आ जाए। चलो ए यार, तू एक दो चक्कर लगा ले, हम तब तक दम मार ले। लोटा जी भैया, नो बकवास के सर। बजरंगी, हाँ? इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, नौकरी कब मिलेगी? अब देखा क्या होता। अरे सही ही होगा। तनी सुना, ये हमार प्यार करे के समय बा। भाई पहले इनकी नौकरी कर लो, मैं तो चला। ए, इका। अब का बताएं? ए बजरंगी, अब हमरा बर्दाश्त नहीं के होत, बिन हमरा रात रात भर नींद ना आवेला। अब तू ही एकर इलाज कर सकेला, कह तना हमार इलाज। ए बजरंगी, पता ना हमरा कौन बीमारी पकड़ लेले बा, तोहरे बिना रहल नहीं के जात। अपना बाबूजी से कहो कि खूटा में बंधवा दे। लहरिया तोरा बाबूजी के शर्त याद नहीं खे का? नहीं खे याद तो हम याद दिलाओ था। खाली बात से पेट ना भरेला, पेट भरे खातिर पैसा चाहिए पैसा। बाबूजी पैसा से कोई बिस्तर खरीद सकेला, नींद ना। चुप कर तू। देख बेटा, तू हमरे बिरादरी के हुआ, शादी से हमरा कौनो इतराज नहीं खे, बाकी एगो हमार शर्त बा कि हमार होखे वाला दामाद भले ही एक रुपया कमावे, लेकिन सरकारी नौकरी से बस। सरकारी नौकरी में ऐसा कौन बात बा, लोग प्राइवेट से भी तो अच्छा पैसा कमावे। अरे चुप करना लायक, जब देखा था बीच में पट्टर पट्टर पट्टर। अरे दादाजी कह के मर गई ले कि खेती तरकारी के और नौकरी सरकारी के, बातें कुछ और होला। दादाजी तो बोल के मर गई ले, और यहाँ हमार जवानी जियान होके पे लागल बा। ते का बुदबुदावत आ रे रे? कुछ हो ना? ठीक बा, वैसे भी हमार सपना बा पुलिस बने के, भारत माई के सेवा करे के। अब पुलिस बनला के बाद ही पायल के हाथ मांगे रहुआ चौकट पे आई। प्रणाम बजरंगी। जब तक पुलिस ना बन जाए तब तक नो लव नो रोमांस। हो गई? जी भैया जी। चल निकल। हाँ मुरली, राजेश सेठ के तो माल चल गए, अब एक नहीं उठे लगा के छोड़ दिया होगा। काहे कोनो दिक्कत नहीं ना? ना ना देख लिए। तू एक एक से साइन कराओ तो। हाँ हाँ, अंगूठा मरवाओ, भूले ही है मत। चलाओ अंगूठा लगाओ लोगिन।
ये भैया देखा सबसे फिर अंगूठा लगवा था, लगा था फिर आज गेहूँ चावल ना दी। चला अंगूठा लगाओ। राशन दा? राशन खत्म हो गई, चला अंगूठा लगा। राशन आयल बा तो राशन कैसे खत्म हो गई? तू जानता रह, राशन खत्म हो गई बा, चला अंगूठा लगाओ। ना लगाई, पहले राशन दे। समझ में नहीं आवत तो रह, चला अंगूठा लगाओ। ए बड़ो का रे मुरलिया के बाद तोरा समझ में नहीं आवत? बाके तू ठीक नहीं कह करब, जब राशन आयल बा तो राशन कैसे खत्म हो गई? ए बड़ो काहे वक्त से पहले अपना मौत के बुलावा तड़ा? मुरलिया बात से समझावा था समझ जो, ना तो लात से समझाई। गरीब ऐसा है के तू लात मरवा, तोरा का लगत बाकी तोरा सबक सिखावला क्यों नहीं खे? के करा के बोलेबे? कौनो गुंडा के, पुलिस के, कि कौनो नेता के? ना ना गुंडा, ना नेता, ना पुलिस, गरीबन के मसीहा, धर्म सम्राट, भारत मां के बेटा के बुलाई। चल बोला बोला। तो ये है भारत माई के बेटा, आ गईल इंसाफ दिलावे, इंसाफ के तराजू लेके, बाकी केने बा तराजू, तराजू केने बा, केने बा तराजू, तराजू केने बा। भैया के सिपाही लोग थाने ले गए हैं। अंदर का भेल राजबिहारी जी? हमारे छोटे भाई के अरेस्ट कहले। का राजबिहारी जी, हमरा और भाई के काहे अरेस्ट करा? झूठ मत बोल, राजबिहारी से झूठ मत बोल। देखिए राजबिहारी जी, देख इंस्पेक्टर, जल्दी से जल्दी हमारे भाई छूट जाए के चाहिए, ना तो हमसे बुरा केहू ना होई। अरे पहले पकड़ब तब ना छोड़ब, हमरा और भाई के काहे पकड़ब? सर हमरा लगा था उनका सरकारी पुलिस ना प्राइवेट पुलिस उठा के ले गई बा। प्राइवेट पुलिस? प्राइवेट पुलिस? अरे हाँ, वो है बजरंगी सिंह और सिपाही सिंह। अरे तो कहाँ मिले वो सिपाही? हे लोटा। यस सर। यानी कि का सजा दिहल जाओ? अरे सर बहुत बड़ गलती ना कहले बाड़ासन। हाँ इतना कही जा सकेला, ऊपरा से नीचवा तक जो पसीनवा बा ना चुआ दिहल जाए। जी भैया। गाना लगाओ रे। तू नाच के बताओ। यस सर। दिलावा में जगह दे दो, दिलावा में जगह दे दो, कहाँ कोई बोध करिया। हे बाके, अभी तोर बारी बा, चल नाच। तू हमरो भाई की जानत देखे रे सिपाही। हे लोटा। यस सर। तनी डंडवा दे भाई। चाहत नाच दे भाई, ना तम मार के तो पिछवाड़ा फुलाई देले बड़स। नाच दे भाई, भैया नाच दे। लगाओ गाना। जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चूमा से की
यहाँ शुरुआत रे। जब मैं आई तो हाथ वाले रात रे, उसने चुम्मा हंसे किया शुरुआत। पहले घूमता उठाया फिर बैंड पे। बंद कर। मैं सिपाही इकवन थाना। थाना ना बिगड़ल के सुधारे वाला कारखाना है। बंद कर अपन सब ड्रामा। कहे कि तोरा के नेकी मालूम कि हम के बानी का कनी जान के यहाँ आधार कार्ड निके बना। कान ठीक बाहमार लेकिन दिमाग अक्सर खराब हो जाला। हमार दिमाग खराब भइल न त दोनों भाई के। और सुन, सरकारी राशन घोटाला में तोरा भाई के मरले बनी। चुपचाप गरीबन के राशन दे जो और अपने भाई के ले जो। भाई पुलिस स्टेशन का मतलब भाई कर और क्या दे रहा तोरा की परमिशन? जनता और जनता से बढ़ के सरकार नहीं खे। तोरा भाई के पिटला पर तोर कहीं और दुखाता लेकिन आम जनता के तकलीफ भइला पर हमार यहाँ दुखेला। और जब यहाँ दुखेला तो तोरा जिसन के करम फुटेला। का प्रॉब्लम वहां? जब देश में प्राइवेट स्कूल हो सकेला, प्राइवेट बैंक हो सकेला, प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकेला तब पुलिस स्टेशन का है ना? यहाँ से 50-50 कोस दूर गाँव में जब कोई गुंडा पनपता है तो उसका बाप यही कहता है कि सुधर जाओ बेटा वरना बजरंगी आ जाएगा। का बात है, का बात है। प्राइवेट पुलिस स्टेशन चलेंगे, इनकम चवन्नी के ना और बिगार सबसे। कितना दफे कहली कि कौनो ढंग के नौकरी कैले बेटा, लेकिन ना जब बनब तो पुलिसिये बनब। अरे अब तो चुप करी। का चुप करी, हमरे चुप रहे के सब नतीजा बा। आज तुहार लायक लड़का का कैले बा तोके पता बा? हम बताओ तानी, हम रास बिहारी से बदतमीजी कैलस और उनकरा भाई के भी पिटलस। अब वो का करी है रामा जाने। का करी है हा? चुप कर, ना लायक कहीं के। सुना, कह दिया अपना लायक से। अगर खतरा से खेले कितने शौक बा ना तो अकेले खेले, पूरा परिवार के ना झोंके। समझा दिया अच्छी तरह से? ए ज्योति, जो खाना लेके आओ। किया क्या भैया? ला खाना खा ल। ना खाई ले जो। ए में खाना के का दोष बा? चल खाना खा ल। खा ली देवर जी। अरे पागल, ऐसे ही जय जयकार ना हो खेला, कोशिश करे वालन के कबो हार ना हो खेला। अंबानी नू तुहार भाई है बलराम। पापा तो ऐसे ही कहत रहलन, कोई कुछ भी कहे हमार दिल कहता एक दिन तो पुलिस जरूर बनबा। अब खाना खा। हाँ भैया, बहिन सही कहतिया, अब तक खाना खा ल। अब खा भी ल इंस्पेक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान से अभी बात करवाता हूँ। भाईजान, हिंदुस्तान से आलम का फोन है। कहिए। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है ना खान साहब? डिस्टर्ब हम आपसे नहीं, आपके सीएम से हैं। क्यों, क्या हुआ? आजकल आपके चीफ मिनिस्टर कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो रहे हैं।
हम आ रहे हैं हिंदुस्तान उसे धर्म का सबक पढ़ाने। जरूर हुजूर जरूर, हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारा मिशन हिंदुस्तान की हर रियासत पर अपनी हुकूमत जमाना है और इस बात का आगाज हम आपकी रियासत से करेंगे। इस बार के चुनाव में हम चाहते हैं कि आप सीएम की कुर्सी पर बैठे। आमीन। हम खाते हिंदुस्तान का है पर गाते पाकिस्तान का है। आप हमें हुक्मरान में सहयोग कीजिए, बदले में आपको खेलने के लिए पूरा मुल्क दे दूंगा। सुभान अल्लाह मियां, सुभान अल्लाह। आप बस देखते जाइए। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए। लो आ गए। कुछ लोगों के कुंडली में हार होती है लेकिन वो लोग जीत के हसीन सपने देखना बंद नहीं करते। जी अरे इन्हें तो शर्म भी नहीं आती। इतनी बार चुनाव हारने के बाद भी अगर मैं होता तो आत्महत्या कर लेता। शांत हजूर, अगर आप अकबर बादशाह हैं तो मैं भी आपका बीरबल हूं हजूर। और इस बार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ आप ही जीतेंगे। ओके से अरे ओके से देख रहे हैं ना हजूर, पानी के बगैर मछलियां कैसे तड़प तड़प के अपनी जान दे रही है बेचारी। ठीक उसी तरह से विरोधी पार्टी के नेता को अब कमजोर करना होगा और दिग्विजय सिंह की सारी ताकत, यहाँ के जो तमाम छोटे बड़े गुंडे हैं जो चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करते हैं हजू और फंड नेता के लिए ऑक्सीजन का काम करता है, ऑक्सीजन का। और अगर चुनाव के वक्त ही किसी नेता को ऑक्सीजन न मिले तो उनकी भी हालत इन मछलियों की तरह बिना पानी के ही तड़प तड़प कर जान देनी पड़ेगी जहां पना। ऐसे ही तुम्हें हम काम पर नहीं लगाया टंटन तिवारी जी। ताकत तो तुम इकट्ठा कर सकते हो दिग्विजय सिंह, पर ये कमीलापन कहां से लाएगा? कमीलापन झूठ मत। बजरंगी जी का पुलिस बन गई है।
सोने के साइकिल पे चांदी के पहिया। बोल मेरे राजा, रानी बनाओगे कहिया? वादा पूरा किया ससुर का, अब बारात लेके आऊंगा, शादी रचा के तुझसे अपनी दुल्हन तुझे बनाऊंगा। इस खुशी के मौके पे कुछ मीठा हो जाए। कहे ना। समझ के चूसे भी का हमरा के का सपना रे। लात सरप कुल धोके पी गई पियाई लईकी। हे भगवान, हमरा एकर लक्षण कुछ ठीक नहीं खे लागत। अभी ये भैया से कहतानी तोर मांग टिकवाए के पड़ी। हे भगवान बुआ। भैया बोल। सुना अपने बेटी का करतूत? करतूत बौरा गेल बे तोहर बेटी। का भइल? अब तनिको देर मत करा। भइल का? बोलबे का? बोली भौजी से कह दे उनके से पूछ लिया, बाकी जितना जल्दी हो सके एकर बियाह करा दे, नहीं तो इज्जत का तमाशा देखे बदे तैयार हो जा। कुछ समझ में नहीं आई बजरंगी पूरे चक्कर में। बेटा, बेटी के शादी में जरूर रही है लोगन, तोहनी के चलते शादी दहेज मुक्त हो रहा है। अरे चाचा, अब इतना हमार फर्ज रहे। दहेज दरअसल एगो समाज की बीमारी है। आप जाए, हमने जरूर आई। फाइल वो फाइल रख दे। हमके कंप्लेन करे के बाद कहीं ना का चोरी भइल बा? चोरी नहीं खे भाई। डाका पड़ल बा? ना बूझ गई नी, लूट ले ले बा। बस तोहरे ही थाने के इंस्पेक्टर के खिलाफ कंप्लेन करे के बा। बहुत जगह हमरा जीवन के एक एको सपना बा, सुहागरात जॉन जल्दी ये पूरा होखे वाला रहे। लेकिन तुम्हारे इंस्पेक्टर के वजह से आज लेना पूरा भाई। उमरिया 18 के पार हो गई बा, रात के सोतल मुश्किल और चैन और सुकून फरार हो गई बा। और का समस्या बा मैडम जी? जवानी जियान भइल जाता, घर के सब लोग परेशान हो गए बा, हमार उलूल चुलूल हरकत में बरकत हो गई बा। हाय रे माई, हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? इतने गर्मी ले सले बदेही में तबियाह कौन लेके उसे? प्यार के हुआ उसे और शादी के हुआ उसे कि हम के ना आवे? प्यार करके एहसान करो तरुका। एगो साधारण लड़की हो, कोनो जन्नत के हूर स्वर्ग के परी ना। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा का खास मथुरा में कि तोरा पके हमार मिट्टी ना तीन धूर में फैलल बा? आंख उल्लू नियन और दांत बुझाता भुखाइल शेरनी के और बाल मर्डर कर बे। हाँ। ना कर ना।
रे पिया। तो भाई चाय दा, लाओ भाई हमी के चाय पिया। हम पिए माथा खाला। ताक दे बेटा। हाइला दे। इतना गरम गरम। आय हाय आय हाय का बनावट बा। ओह का। अबे चाय ना खाओ देख लैला के। लागत था भगवान कारीगरन के छुट्टी देके बड़ा फुर्सत से बनाएले बाड़े। अरे ये तो एकदम मृगनैनी लगतिया यार कसम से। अब पगलाई बा सन। हाउकला हाउकला जितना हाउको खोए हाउकला पटावे वाला काम तो हम करी ले। तू का पटाई बहुत ठेंगा। एक तरह के तो हम पटाई मधुशी शर्मा। हाँ टोरिया के मंत्र तो जानत नहीं खा। सही कहा तेरे। गेहूं के मूरी पर चल रहा हाथ फेरे। लड़की पटावे में हम एक्सपर्ट हैं। पोलिस्टर वर्मा। अच्छा का नाम तोहार? पोलिस्टर वर्मा। तोहार हो मधुशी शर्मा। हाँ। चल के देखल जाओ और लड़की पटावे में ना दम लागेला और जकराब रही दम ना बेटा वही गाड़ी खुटा। चला चला देख लिया। ठीक बा चारक कल नहीं के है रे वो देखल जाए। यहाँ लड़की छेड़ रहा है देखता नहीं चौकीदार और ये होमगार्ड और हम हवलदार। निकल बेटा कबूतरा। आओ मैडम लाली लिपस्टिक लगा के सज सवर के चलबू ना। तो आजकल का है ना कि मर्दन के नियत खराब हो जाना बुझलू ना। हमरा के नजदीक रखल करा तोहारी कमसीन और नाजुक त्वचा के खरोंच तका केहू आंख बिना उठा पाई। 100% हम तो कहतानी कि हमरा के बॉडीगार्ड रखला 24 घंटा बिना पगार पानी के लेफ्ट। हेलो ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। अगर तुम लोग की जगह मेरा भाई भी होता तो वो भी यही करता जो तुम लोग कर रहे हो समझे ना। और वैसे भी तुम लोग मेरे भाई जैसे हो। भाई भाई बस गलत का सेटिंग लगा बड़ा हिल रे। हेलो पूनम कैसी हो? हाय हाय। अरे कब से खड़ी हो यहाँ पर तुम? काफी देर से खड़ी हूँ। कितने दिनों से मैं तुम्हें कॉल कर रहा था और तुम आ जाई हो। अरे कम से कम फोन तो उठा लिया करो। अरे क्या छोड़ो यार। हेलो ये मेरा लवर है। लवर? हाँ हमने के बाबर ये कैसा इंसाफ हो। 8 बज गई बा तू यहाँ सरे मैयासी करत आड़ू और वहाँ तुहार घर के लोग इंतजार करत हुई। सही कहा तारा। अरे हमनी के जगह तोर भाई और रहत ना इहे करत। चल चल हमनी के भाई जैसन बनी। चल चल ले जा ले जा ले जा। और रे बट्टा खा। अरे जनधन के योजना में जब 15 लाख मिली तब नू सामने 1 करोड़ के बेरर चेक हमनी के सामने भी आ। चलो सब भजा लिया। चलो 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 चलो। आई देखी बड़ा कोमल बड़ू। अरे अरे नेवता देखे धोखा मंद ये देवता। अरे आवा सुना ये करे जा गाने सट। बचावा!
हमरा में जरूर कोनो खास बात बा, ना तो एकनी के हमरा पीछे ना पड़ते सन बुझला। ए लवली तेरा रोने खा देलू, फिल्मों कब देखाइबू? ए तेरा के ले के आवा। तू ही तो कहले रहला कि हम खूबसूरत नहीं थी तो हम लाइन मार के चेक करत रहनी। एक और बात सुन ला, हम मर जाए लेकिन केहू और से ब्याह ना करब। अरे पगली, तोरा बिना हम भी ना जी पाए। तो कुछ बताओ ना आइडिया। आइडिया? हाँ, हमार रेप कर दा। तो अरे फिर हमसे शादी करी के बाबूजी के छक मार के हमार ब्याह तो उसे करे के ही पड़ी। कैसन बा आइडिया? आहा, कहे के निखे तोरा आइडिया के बहुत खूब। रेप कोइला के बाद शादी ना, जेल होला रे बाउडी, जेल। हमार बजरंगी के जेल होई ना? फिर कैसे होई हमने के हनीमून? यकीन करा, हम पुलिस वाला जरूर बनब। इला चका चक, एक नंबर। ए तारे देखा तारे बुलेटिया साफ कैले वाली एकदम। तू लोग जा, ए तू चल हमरे साथ। कहाँ जाता रे? जा तनी अपन काम करे। मटर गस्ती छोड़, हाई पैसा पकड़। अजा के मनोरमा को ऑपरेटिव बैंक में जमा कर दी है। ठीक बा, तनी ध्यान से। चली हेलो भैया, थाना में आपसे क्यों मिले आइल बा? अच्छा लोटा जी, भैया तू जा थाना। ओके। Woo!
बैंक नहीं, आम जनता का विश्वास है। जिसे तू लूटने आया था वो पैसा नहीं, किसी गरीब किसान के खून पसीने की कमाई है। इन पैसों से किसी को अपनी बेटी बहन की शादी करनी है तो किसी को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, किसी को अपने माँ का इलाज करना है। इन पैसों को लूटेगा। तू जानता नहीं मुझे। Come on, fast. तुझे जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, और मुझसे दोबारा मिलने की इच्छा मत रखना, नहीं तो इतना फाड़ूंगा कि ना ही तुम्हारी मर्दों में गिनती होगी ना ही मौतों में। किस किसने मारा इन सबको? अरे किस किसने नहीं सर, अकेले बजरंगी ने मारा सबको। क्या? हाँ हवलदार सर, सबको अरेस्ट कर दी। गुड, वेरी गुड जेंटलमैन। क्या करते हो? कुछ खास नहीं सर। सर सर, पुलिस वाला बनने के चाहत आड़े रवा कुछ कर सके नहीं का इनकरा खातिर सर प्लीज। ओके, कल हमारे ऑफिस में आकर मिलो। कमान मलिक। चलो बाबूजी के लगे, चलो चलो। दिलासा खातिर ठीक बा, पर बात से पेट ना भरेला। हम तरह के प्रधानमंत्री मान ले तका तू प्रधानमंत्री बन जाइबा। एक साल से कहता नहीं, एगो मोटरसाइकिल तो किनाते नहीं थे, आज चलल बाड़े प्रधानमंत्री बना। अरे चुप, उदाहरण देता मेरे नालायक। देखा बेटा, एक हाथ से ज्वाइनिंग लेटर लेके आवा और दूसरे हाथ से हमारी बेटी के हाथ लेके जा। ए जी, सुनी ना पागल। बजरंगी। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद, सिट डाउन। थैंक यू सर। अच्छा एक बात बताओ बजरंगी, ये तुम अपने बदन पर शर्ट क्यों नहीं पहनते हो? कसम ली है सर, जब भी पहनूंगा वर्दी ही पहनूंगा। गुड, कीड़े मकोड़े मारने से किसी शहर के एक नाले का सफाया हो सकता है, पूरे स्टेट का नहीं या पूरे देश का नहीं। छोटन जैसे ना जाने कितने कीड़े मकोड़े इस प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं, मुझे उन सब का सफाया चाहिए, वो भी एक साथ। सफाई अभियान चलाओगे? सर पे टोपी और कमर में बेल्ट जोरदार, बदन पे खाकी और कंधे पे चमकता स्टार। जौने दिन मिल गई ना सर, वो दिन प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान के कचरा साफ कर दे। समझ लो मिल गई। का? तुम्हें वर्दी ही चाहिए ना? जी। यहां साइन करो। बाकी की प्रक्रिया मैं पूरी कर लूंगा। आज से तुम कॉमन मैन बजरंगी नहीं, एसआई बजरंगी हो। मैं तुम्हें अंडर कवर ऑफिसर नियुक्त करता हूं। ये लो। जेल से भागा हुआ, पुलिस कस्टडी से फरार, कानून के हाथ से बचा खूनी, अंडरग्राउंड शूटर्स, इन जैसे तमाम वांटेड मुजरमों का लिस्ट है इसमें। शूट देम, कोई भी नहीं बचना चाहिए। प्रदेश के विकास के लिए बाधक ही नहीं, कैंसर है साले, बल्कि उससे भी खतरनाक। खत्म कर दो उन्हें। जय हिंद सर। जय हिंद। शान है।
तिरंगा जान है मेरी, तिरंगा शान है मेरी, तिरंगा जान है मेरी। बोटी बोटी कट जाए फिर भी इसे न झुकने की लहराएंगे, युगों युगों तक इसे न रुकने देंगे। कतरा कतरा खून का ये अरमान है मेरी, तिरंगा शान है मेरी, तिरंगा जान है मेरी, तिरंगा शान है मेरी, तिरंगा जाने है मेरी। बजरंगी, मुझे लगता है तुम जल्द ही कामयाब हो जाओगे। जो आपने मुझे आदेश दिया है बहुत जल्द पूरा होगा। गुड, जय। वेल डन। एसआई बजरंगी ने अपने डीआईजी के आदेश पर शहर के चारों तरफ सनसनी फैला दी है। बादशाह लोग भी उसे पनाह मांगने लगे। बजरंगी ने सारे गैर कानूनी धंधों को जड़ से मिटाने का बीड़ा उठाया। एसआई बजरंगी के अंदर कूट कूट के वो अपने ड्यूटी में इतने मशगूल है कि दिन और रात सब खत्म होता है पता ही नहीं। एसआई बजरंगी का कहना है कि पुलिस की ड्यूटी करते वक्त देश की सेवा में अगर उनकी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। उनका कहना है कि ये वही देश है जहां शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जैसे महान लोग अपने वतन के लिए शहीद हुए थे। बजरंगी के सक्रिय कारनामों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही इस शहर से क्राइम का नामो निशान मिट जाएगा। इस देश का औलाद एसआई बजरंगी एक फौलाद की तरह काम कर रहा है। बजरंगी 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 साला, फौलाद की औलाद है, उसे किसी भी कीमत पर इस बार खरीदना पड़ेगा, वरना इस चुनाव में लंगोट भी बेचना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि दिग्विजय सिंह के कई गोरख धंधों का एसआई बजरंगी ने पर्दाफाश किया है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार में क्राइम का स्तर काफी गिर गया है, लोग राहत की सांस लेने लग गए हैं। बजरंगी, सर ये सब क्या है? नो अरेस्ट, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। आपने उसे हीरो बना दिया है, सच कह रहा हूं। उसकी आंखों में एनकाउंटर का भूत सवार हो गया। मुझे तो लगता है आम पब्लिक खतरे में है।
ऐसा कुछ नहीं होगा मलिक, बस तुम देखते जाओ। बेऊर जेल पटना के खतरनाक अपराधी छोटन उर्फ छोटूलाल यादव कल रात पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। पुलिस उसे खोजने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन छोटन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। साफे लतखोरा सरवा। हाँ लोटा जी। भैया बोली। छोटन कहाँ मिली? ना 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 भाई, हमरा के ना मारी। ओए ओए ये रुक जा बजरंगी, रुक जाओ। सर रहुआ निखी जानत इस समाज खातिर कितना घातक बा। ए डिपार्टमेंट में नया नया आयल बढ़े और हमरा के तोरा से ढेर पता बा इके काह, जितना कहल जाए उतना नहीं कर। एकरा के मार के बड़का हीरो बने का कोशिश मत कर। रहुए मार दी और बन जाए हीरो, हमके समाज के फिकिर बा। आपन ना सूट करी ए, अगलो मत। सरेंडर कर, अपराधी के मारा गुनाह। हम सरेंडर करने के तैयार नहीं, गिरफ्तार कर लेके जेल ले चला। ना, ना। कुछ ना तरह के हम बानी ना रहुआ, हमारा आपन समय जियान करत नहीं। ये समय करा से हमनी के बतियावे के ना यमराज से मिले के मारे दी। स्टॉप स्टॉप, डू यू नो हु आई एम? पुलिस वाला बाड़े पुलिस जैसन पेशा, हीरो बनने का कोशिश मत कर। हमरा नजर में हर पुलिस वाला हीरो है, हमें के जिंदा ना ले जाए दे यहां से। हेलो हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, क्या प्रॉब्लम है मलिक? सर लीजिए, बजरंगी से खुद बात कर लीजिए। सर ये छोटन को छोड़ दो, वो अपने आप को सरेंडर कर चुका है। तुम उसे नहीं मार सकते हो। नहीं सर, बजरंगी जस्ट लीव हिम। ओके सर। सब रेडी है उस? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर नेताजी। चलिए चलिए चलिए, आइए पार्टी एंजॉय कीजिए। चलिए आओ इंस्पेक्टर आओ।
बहुत नाम सुना है तुम्हारे। सुने हैं कि बिहार के सारा गुंडागर्दी बस एक महीना में खत्म कर दिए। अरे वाह साहब वाह, कमाल। आपने अब तक जो भी देखा, महज एक झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या मतलब? सॉरी, हम तारा और जन्मदिन के बधाई देवे के ही भुला गई नी। हैप्पी बर्थडे सर। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बर्थडे के जितना यादगार बनावे के बना ली, शायद अगला बर्थडे राउर किस्मत में ना हो। ए इंस्पेक्टर, क्या हुआ? क्या हुआ? समझाओ इसको। ए, ज्यादा आंख मत दिखाओ, आंख मत दिखाओ। आंख कमजोर और लाचार लोग दिखाते हैं मंत्री जी, हम लोगों की उनकी औकात दिखाते हैं। ये क्या बदतमीजी है बजरंगी? इस हनुमान ने सिर्फ अशोक वाटिका उखाड़ा है, अभी लंका दहन बाकी है, और इस लंका का रावण दिग्विजय सिंह नहीं तू है बजरंगी। आपने जो लिस्ट बनाया था वो अधूरा था, ये रहा पूरा लिस्ट। लगता है ईमानदारी से आपने लिस्ट बनाया नहीं था। हर सांप्रदायिक हमले के पीछे तुम्हारा हाथ रहता है, चाहे वो मुजफ्फरपुर दंगा हो, भागलपुर दंगा या गया पटना बम ब्लास्ट, लेकिन अब नहीं। ए, तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा तू रे? कुंडली में अगर शनि प्रवेश कर जाए तो एक बार जाप ताप से ठीक कर लेगा। मुझे आवाहन मत कर, मैं आऊंगा तो जान लेकर जाऊंगा। पूरा गांव नहीं, कस्बा नहीं, शहर नहीं, पूरा राज्य हमारे कंट्रोल में है। माना कि पूरा राज्य तेरे कंट्रोल में है, लेकिन बजरंगी हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। अंजनी बाबू हमरे वसे माफी चाहता नहीं। अरे अरे ये का बात करता नहीं रहुआ? बजरंगी के बारे में हमार गलत सोच रहे। ऐसा का बात हो? अपन बिटिया के ब्याह बजरंगी से तय करे आइल बानी। का? प्रणाम भौजी। नहीं मिठाई खाई। बोल करी मुंह भर कर बधाई हो। अरे पायल, बारात आ गई बा, अभी ले तू तैयार ना भिलू, का ब्याह करे के मन ना बगा। अरे तू का कहे तारू बुआ, हम तो पैदे भइल बानी शादी खातिर। बिना सुहागरात मनवले मरे वाला नहीं की हम। कुछ हो बोले ले ले। अरे पागल, तू तैयार हो जा, हम बाहर व्यवस्था देख के आओ तानी। चला हम हुआ बतानी। पगली कहीं की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब कन्या को बुलाया जाए। हाँ, लेके आओ तनी। हेलो हेलो बाबा, बस दो मिनट आओ तनी। हाँ हाँ जाए। ए भावजी के देखा? Oh,
कि मैं सब मारे गए लेकिन भगवान ने मुझे जिंदा रखा। यहां तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ गद्दारों ने मीडिया के सामने दोषी करार करके मुझे वांटेड घोषित कर दिया। और यही हुआ बजरंगी के साथ। हमने उसे एक ईमानदार सच्चा ऑफिसर समझते हुए प्रमोट किया लेकिन वो गद्दार निकला। अरे मुझे तो ये कहते हुए शर्म आ रही है कि आज पुलिस डिपार्टमेंट का सर शर्म से झुक गया है। दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग करके बजरंगी ने बहुत से गुनाहों को बढ़ावा दिया है। जी सर। और हां, बजरंगी का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। बहुत सारी चोरी, डकैती, छिनैती और मर्डर जैसे केस सामने आए हैं और अभी अभी पता चला है कि उसका संबंध आतंकवादी संगठनों से भी था और उसके शादी में जो बम ब्लास्ट हुआ वैसे बहुत सारे बम उसके घर में मिले। देशद्रोहियों ने एक देशप्रेमी को देशद्रोही घोषित कर दिया। अब मेरा एक ही मकसद है, देशद्रोहियों की बर्बादी। जो काम डिपार्टमेंट में रहकर नहीं कर सका वो अब वांटेड रहकर करूंगा। कोई नहीं बचेगा। आई लव यू बाबू। कोर्ट द्वारा लंबे समय से घोषित वांटेड एसआई बजरंगी का केस फिर से आजकल सुर्खियों में है। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। इसी बात को लेकर जनता में काफी आक्रोश है। वंदे मातरम।
पूछताछ कर रहा बाड़ा। रेप केस का सजा मालूम बा? सीधे फांसी। सर बच्चे के कोनो रास्ता जरूर होई। रास्ता निकाले के पड़ी। प्लीज सर निकाली ना। देख रिपोर्ट बदले में डॉक्टर का खर्चा, ऊपर के ऑफिसर के खर्चा, सरपंच के खर्चा, रूलिंग पार्टी के विधायक, विपक्ष के विधायक, मीडिया वगैरह वगैरह, बहुत खर्चा बा। कुल मिला जुला के 10 लाख। अगर ही पैसा मामला ऊपर पहुंचे से पहले लिया के दे दे ले तब भी बच सकेले। जरूर सर, हम लेके आवता नहीं, हमारे पापा के लगे बहुत पैसा बा सर, चाहे तो और दे दे। गुड, फिर देर कौन बात का। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। पहले आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने FIR दर्ज कर लिया है और इसका फैसला कोर्ट करेगी। एसपी साहब, हमनी के न्याय चाहिए। देखिए एसपी साहब, हमनी के रउआ पर बहुत भरोसा बा। एसपी साहब, हमनी का इंसाफ चाहिए। चुप हो जा दीदी। लड़की से धंधा करावत बड़े पैसा वाला पार्टी देख के मैं पूरा परिवार का नियत बदल गई। एक नेक शरीफ खानदानी बच्चे पर उस पर रेप केस ठोक रहा है। प्रभु अपने असहाय लोगन के रक्षक बनेले हो बा, प्रभु उनकरा जल्दी भेजिए। औदा सबको मार के भगाओ, सबको मार के भगाओ। लोग के बचावे तो हम आ गए नहीं एसपी, अब तोहनी के बचाई। बेटा, अंदर आइए सर।
डीआईजी, तुम्हें जितना पुलिस बल लगे लगाओ, हमें वो वांटेड मुजरिम चाहिए। काहे टेंशन ले रहे हो डीआईजी? जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाए और हम न होंगे तो ये दुनिया तर बतर हो जाएगी। पसीना क्यों? अरे भट, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा वो हमारा, कुछ नहीं। सुनो, पाकिस्तान से हमारे कुछ खास दोस्त आए हैं, चले एंजॉय करते हैं। एंजॉय एंजॉय। माफ कर दो, हमको माफ कर दो बजरंगी, हमको माफ कर दो बजरंगी। सही बोला डीआईजी, भगवान माफ कर देता है, लेकिन माफी मांगने के लिए तुम्हें भगवान के पास जाना जरूरी है। भगवान इसे माफ करना। मधु, तोहरा अपन भैया से कुछ बातचीत भैया का ना। देखा ना, हमरे पास भी फोन नहीं खे आई। नहीं खे आई तो आ जाए। हे बाबा तू छोड़ा अपन भी। मुझे मालूम है कि तुम्हारा अगला टारगेट मैं हूं, पर मुझे मारने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा। चलो, तुमको एहसास तो है कि तुम्हारी मौत मैं ही हूं। hey! मुझे मारने का ख्वाब छोड़ और अपनों को बचाने के बारे में सोच, अपनों के बारे में ले। भैया, हमने के बचा ली। बाबू 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 बहुत किस्मत वाला है तू, किस्मत वाला के बहिन के जगह बहिन मिल गई और महबूबा के जगह महबूबा। अगर अपनों को बचाना है तो सीएम को टपकाना है। बैठ जाइए। बाबू बजरंगे उपस्थित हमारे जनता जनार्दन को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप लोगों को लाख लाख धन्यवाद कि आप लोगों ने इस राज्य का मुझे मुख्यमंत्री के लायक समझा।
इस राज्य में जो भी कमी है, चला गोली, विद्यालय, हॉस्पिटल, किसानों का कर्ज माफी, पूरी कोशिश करूंगा कि इस राज्य की सारी तकलीफों को दूर कर सकूं। जब तक हमारी सरकार, चला गोली। आप सभी लोग जैसे मेरा साथ दे रहे हैं, इतनी देर क्यों कर रहा है? चला गोली। कोशिश करूंगा कि इन 5 सालों में जो भी राज्य हमारा पिछड़ा है, उसे हम एक रोल मॉडल के रूप में तैयार कर सके। आप सभी लोग रिमोट दे। हे बाबूजी, हमारे बहन के जान खतरा में बा। बेटा, हमार चिंता छोड़ा, तू अपनी बहन के बचा ले, अपनी बहन के बचा ले बेटा। जा, तू हमारे हेलीकॉप्टर ले ला और अपन बहन के बचाओ। थैंक यू सर। जा। वो डरने वाला गीदड़ नहीं, दहाड़ने वाला शेर है। अपनी फौज में मर्दों और नामर्दों की गिनती गिनना शुरू कर दे सईद, क्योंकि नामर्द दिखेगा नहीं और मर्द टिकेगा नहीं। एक ताकतवर को मारने के लिए भगवान दूसरा ताकतवर मर्द जरूर पैदा करता है। मेरे भैया आ रहे हैं तेरी मौत बनके। बाजरंगी बाबू।
हमरे बाबू की जान नहीं के बाबू की ऐसी की तैसी चल चल छोड़ दे चल 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 जल्दी चल 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 मत चल हे हिंदुस्तानी रुक जा भैया आकाश में पाताल में सब जगह में
जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी और हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। तू बचाएगा इस देश को? तेरे इस हाल के बाद अब हिंदुस्तान की बारी है। मैं हिंदुस्तान का अस्तित्व मिटा दूंगा, मैं अस्तित्व मिटा दूंगा मैं हिंदुस्तान का। अरे जिसकी छह तय है उसकी जय कैसी? नहीं बोलता भारत माता की जय। क्या कर लेगा तू? बोल। अरे क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? बोल। हे बाबूजी, हे भाई, हे ज्योति। सरकार ने एसआई बजरंगी को सारे आरोपों से मुक्त करके फिर से सीतामढ़ी जिला का क्राइम प्रमुख बना दिया। हेलो, जी आओ तनी।